हे माय एवरीज व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस लुक के लिए बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। जब मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कब ये वीडियो आएगी यूट्यूब पे। फाइनली यूट्यूब पे आज ये वीडियो पोस्ट हो गई है। सो ये मेकअप लुक स्पेशली मैंने वेडिंग्स को ध्यान में रख के क्रिएट किया है। जो भी न्यू ब्राइड्स है या फिर वेडिंग्स अटेंड कर रहे हो आप, रिसेप्शन पार्टी लुक है तो भी काफ़ी अच्छा जाएगा ये लुक उस पर। और काफ़ी मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने ये लुक क्रिएट किया है एंड बहुत 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 ही इजीली क्रिएट किया है। सो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपना सरफेस क्लीन करते हैं, मतलब प्राइमर लगाते हैं। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इनसाइड का प्राइमर। पोर्स को काफ़ी अच्छे से ब्लर आउट कर देता है एंड आपको काफ़ी एक अच्छा बेस देता है, स्मूथ बेस देता है। उसके बाद जो मुझे डार्क सर्कल्स वगैरह है, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के मार्क्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, जो भी मेरे फेस पे जहाँ जहाँ मेरे को डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे मैंने ग्रीन कंसीलर यूज़ किया है एंड डार्क सर्कल्स पे मैंने ऑरेंज कंसीलर यूज़ किया है। तो मैंने इसको अच्छे से अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी वहाँ मैंने इसको लगा लिया और ब्लेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। बहुत ईजीली हो गया था, काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगा आपको अच्छे रेंज में। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। यहाँ पे प्यूना स्टोर का यूज़ किया गया मैंने और इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथ से आपको उसको ब्लेंड करना है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया स्विस ब्यूटी का, प्लस मैंने उसमें इल्यूमिनेटर भी ऐड किया है जो काफ़ी एक अच्छा बेस देगा हमको एंड वेडिंग्स पार्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो इस तरह अगर आप अपना फाउंडेशन में इल्यूमिनेटर मिक्स करके लगाते हो तो बहुत ही अच्छा बेस मिलेगा आपको एंड वो काफ़ी अच्छा शाइनी रूबी फिनिश आती है ना, बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप चाहो तो ये वाला एक ट्राई कर सकते हैं फाउंडेशन में इल्यूमिनेटर मिलाने वाला। तो ब्लेंड करते हैं अच्छे से इसको। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे जो डार्क स्पॉट्स थे, डार्क सर्कल्स थे, सब चले गए एंड हमारा पूरा फेस एक इवन हो गया है। अब मेकअप करने में मज़ा आएगा। अब बारी आती है कंसीलर की। तो कंसीलर के लिए हमने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जो कि अफोर्डेबल रेंज में एकदम तूफानी वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। इसको अच्छे से ब्लेंड करने से कंसिस्टेंसी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपको बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है, आपके अंडर आइज़ को काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो अब मैंने इसको पाउडर से अच्छा सेट कर लेना है अपने पूरे फेस को, जो फाउंडेशन लगाया है हमने एंड जो भी कंसीलर वगैरह लगाया है सब हम अच्छे से सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर। तो पाउडर यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है जो कि है फेसिस कैनाडा का, ये भी अंडर 200 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए ना मैंने। अब ब्राउज़ को फिल करते हैं। तो ब्राउज़ को फिल करने के लिए हमने स्विस ब्यूटी का पैलेट यूज़ किया है। देखो अगर आपके पास कोई ब्राउ फिलर नहीं है, कोई ब्लैक कलर का अगर आई शेडो भी है ना, तो भी आप अच्छे से अपने ब्राउ को फिल कर सकते हो। एक प्रिसाइज शेप दे दो, अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई ब्राउ फिलर होना ही चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैंने अपने ब्राउज़ को फिल कर लिया है एंड अब उसको एक काफ़ी अच्छा डिफाइन शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है, जिससे मैं उसके बॉर्डर पे लगा लगा के ब्लेंड कर लूँगी, जिससे मेरे ब्राउज़ जो है काफ़ी डिफाइन लगेंगे, प्रिसाइज लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, अच्छे लगेंगे देखने में। तो ये वाला एक स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, अच्छा ही लगेगा। सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर जो हमने आउटर बॉर्डर वगैरह क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ कंसीलर, उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे और पाउडर से सेट कर लेंगे। कॉम्पैक्ट जो मैंने फेसिस कैनाडा का यूज़ किया था वही मैं यूज़ कर रही हूँ फिर से अपने ब्राउज को अच्छे से सेट करने के लिए, ब्राउज इन सेंस जो मैंने कंसीलर लगाया था वो। तो अब मैंने पूरा फेस अच्छे से सेट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट। अब मेरा पूरा बेस सेट करने के लिए मैं आप यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे। इससे मेरा बेस एकदम टिका रहेगा, बिल्कुल भी स्वेट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी एंड मैं जो मेकअप वगैरह करूँगी उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे, वो अच्छे से टिका रहेगा। तो आई मेकअप स्टार्ट करते हैं एंड जैसे कि हमारा आउटफिट रेड है तो सबसे पहले हम अपना ट्रांजिशन शेड रेड उठाएंगे। तो रेड एज अ ट्रांजिशन शेड लिया है मैंने, इसको मैं अपने क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आराम से जितना टाइम मिल सके उतना अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। तो ब्लेंड हो चुका है, अब हम लेंगे एक ग्लिटर गोल्डन कलर का, क्योंकि ऐसे कहा मैंने आउटफिट से मैचिंग हम आई लुक क्रिएट करेंगे। तो गोल्डन कलर का मैंने लिया है ग्लिटर जो कि है फ्रॉम स्विस ब्यूटी, उसको मैंने लगाना है अपने आई लिड पे और अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेना है। ज़्यादा हमको क्रीज लाइन के बाहर नहीं जाना है, बस अपने आई लिड पे थोड़ा सा लगाना है, दैट्स इट। तो आई मेकअप मेरा यहीं पे कंप्लीट। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल सा लुक क्रिएट किया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में।
तो बारी आती है काजल की। अब हम आई मेकअप कर रहे हैं एंड इंडियन लुक में काजल ना लगाओ तो वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होता है। तो काजल हमने यूज़ किया है ब्लू हेवन का एंड उसको मैं स्मज कर रही हूँ ताकि मेरी आंखें जो है काफ़ी अच्छी लगे, भरी भरी सी, मोटी मोटी सी लगे एंड देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो मैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश उसको थोड़ा स्मज कर रही हूँ कि वो ब्रॉड हो जाए और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो अब बारी आती है मस्कारा की, जिसके लिए मैं यूज़ किया है फेसेस कैनेडा का मस्कारा। काफ़ी अच्छे से आपके लैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है एंड आप चाहो तो इसमें फॉल्सेस लगा सकते हो, नहीं तो इट्स टोटली अप टू यू, बट मैंने फॉल्सेस लगाई थी एंड इससे आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप फॉल्सेस अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फॉल्सेस वेयर करना इट्स टोटली अप टू यू, वेयर कर लो अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने अपर लैश लाइन को अच्छे से पूरा मस्कारा कोट कर लिया है, मैं लोअर लैश लाइन पे कर रही हूँ। अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है तो बढ़ते हैं अपने फेस को कॉन्टोर करने की तरफ, एक प्रॉपर शेप देने की तरफ। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का ही पैलेट यूज़ किया, जिसके जो मैंने आई मेकअप में यूज़ किया था उसी में से मैंने ब्राउन शेड लिया। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है ना, कुछ प्रोडक्ट्स रखो जिसमें अगर वो शेड अवेलेबल भी है तो उसको आप मिला जुला के अच्छे खासे मतलब अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आई शेडो को कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया था और ब्लश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश। शेड नंबर वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएगा। हाइलाइटर के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ब्रिक हाइलाइटर। इसमें आपको 5 शेड्स मिल जाते हैं एंड सभी शेड काफ़ी पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर में है। तो आप अपने मेकअप के अकॉर्डिंग जो आपको हाइलाइटर चाहिए आप वो अप्लाई कर सकते हैं एंड जो पिगमेंटेशन है हाइलाइटर की उसमें तो मैंने 5 out of 5 देने हैं, इतने अच्छे वाले हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाते हैं आपको। तो हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर लिया है जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी, जैसे कि ब्राउ बोन वगैरह हो गया, अब बताने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत टाइम से यही मैं बरटे जा रही हूँ। तो लिप को मैंने पहले आउटलाइन कर लिया है स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर से एंड फिर मैंने लगानी है लिपस्टिक। तो आउटलाइन करने के बाद जो लिपस्टिक मैंने यूज़ करनी है वो है फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन। ये मैक का ड्यूप है जो कि मैंने निधि कटियार ने जो मतलब सजेस्ट किया था उन्होंने, उनके बाद ही मैंने लिया था इसको देखने के बाद। एंड लिटरली ये लिपस्टिक डिटो सेम स्मेल करती है, फ्रेग्रेंस एकदम सेम है, दोनों का जो कंसिस्टेंसी है लाइक जब आप उसको वियर करते हो ना तो वैसी वाली ही फीलिंग आती है। लेकिन हाँ कलर में मैं डेफिनेटली कहूँगी कि थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है क्योंकि मेरे पास वो मैक भी है, मैंने उसको भी वियर करके देखा है, दोनों में डिफरेंस पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, प्राइस में इतना उतार चढ़ाव आएगा तो हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिलेगा ही, बट ओवरऑल लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मेकअप को सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटिंग स्प्रे जो कि स्विस ब्यूटी का हमने यूज़ किया है। तो ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए, तामझाम नहीं किया एंड मेकअप फटाफट कंप्लीट हो गया और हमारा फाइनल लुक यहाँ पे है। तो ये है हमारा फाइनल लुक जिसको हमने कंप्लीट किया है बैंगल्स, बिंदी, मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ में। कितना मतलब अच्छा लुक क्रिएट हुआ है, मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लुक मैंने ही क्रिएट किया है। सच में मुझे पर्सनली ये लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था एंड जिस रेंज में मैंने इसको क्रिएट किया था लाइक 200 के अंदर मैंने क्रिएट किया था, ये बिल्कुल भी मतलब बस बिलीव नहीं हो रहा था मेरे को एंड सच में आई पर्सनली लव्ड इट, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मेरे को ये लुक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।